हर शुभ व मांगलिक कार्य में सर्वप्रथम भगवान को निमंत्रण देने की प्रथा सदियों से चली आ रही है, लेकिन खर मास में ये वर्जित माना जाता है। आखिर ऐसा क्यों? आइए उज्जैन के ज्योतिष शास्त्र से जानते हैं खर मास कब समाप्त हो रहा है। सनातन धर्म में शुभ कार्य करने के लिए विशेष मुहूर्त की आवश्यकता होती है। खर मास में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय, भूमि वाहन संबंधित नया कार्य खर मास में वर्जित होता है। यह शुभ अवसर अब हमें प्राप्त हो रहा है 14 अप्रैल से। खर मास की समाप्ति और नूतन कार्यों के करने की अवधि का प्रारंभ 14 अप्रैल से हो रहा है। इसमें 14 अप्रैल को ही शुभ कार्य करने के लिए दोपहर से बहुत अच्छे अच्छे मुहूर्त प्रारंभ हो रहे हैं। 16 तारीख को महाअष्टमी है, इसमें आप वाहन, ज्वेलरी और किसी भी प्रकार की भूमि भवन संबंधित कार्यों को आप कर सकते हैं। इसके अलावा और विशेष शुभ कार्य करना है आपको, ग्रह प्रवेश आदि मुहूर्त करना है, तो महानवमी के दिन 17 तारीख के दिन महानवमी रामनवमी के दिन यह शुभ कार्य हम कर सकते हैं। विशेष वाहन और भवन से संबंधित जो कार्य आप करना चाहते हैं वह रामनवमी के दिन कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।